तुम लोग गाइए। पति राघव राजा पति रघुपति राघव राजा ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान अपनी तरह का एक अद्भुत प्रोग्राम जिसको कि आज के नॉट प्लेस में पंडित रोनू मजुमदार जी के साथ यहां पे शिरकत करने का इस तरह से साथ जो होने का और साथ मिलने का प्रोग्राम बहुत बहुत शुक्रिया। मैं वो तमाम सारी जनता का भी आज बहुत शुक्रगुजार हूं जो आज यहां पे मौजूद है। जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया क्या था? टू टू टिल पहला आपका श्रोता शायद ऐसा होगा जो मैं पहले दिन से लेकर आज तक आपके साथ हूँ और आज तक कभी बोला नहीं। इतना तो कोई माता पिता साथ नहीं रहता जितना आप हमारे साथ हैं। मैं साथ रहूंगा और रहेंगे भी आप। रहूंगा मगर जो आपने जो शो किया ना जो आज वाला शो मैं इसलिए बोलने आया हूँ, मैंने कभी नहीं बोला कि जो आज की लाइफ है भीड़ भाड़ कच पच ये राजनीति वाला दल अपनी अंडा बेच के निकल जाएंगे दो मिनट में, पर इस आम पब्लिक का किसी ने कभी नहीं सोचा इसको अपनी दुविधा से बाहर निकालने के लिए जो आपने एक आधा घंटा या एक घंटा दिया है, मैं उसका आपसे तहे दिल से शुक्रगुजार। पंडित जी ये है असली, आपको कहीं भी कोई भी बड़े से बड़ा प्रतिक्रिया मिल जाएगी। ना तो हम शास्त्रीय संगीत जानते हैं, ना तो मैं शास्त्रीय संगीत का ABCD जानता हूँ। वो शख्स कहता है कि जो आपाधापी है उसके बीच में कुछ क्षण आपने दिए हैं मुझे, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये संगीत है और ये संगीत की ताकत है। जी भैया जी। भैया जी प्रणाम। मैं आपके माध्यम से कई बार एक आवाज उठा चुका हूँ। मैं समयपुर बादली का निवासी हूँ। पिछले कई वर्षों से हम सीमेंट की मार झेल रहे हैं। आज कोई भी नेता प्रदूषण पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, पर मैं आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय रेल मंत्री माननीय मुख्यमंत्री सभी को एक नोटा देना चाहता हूँ। समयपुर बादली मर आकर के आप दो दिन का प्रवास कीजिए। हम हमारे बच्चे हमारे माता पिता जो झेल रहे हैं जो पीड़ा से पीड़ित है उस पीड़ा को आकर के आप समझिए। मैंने आपको उस दिन जब पर्यावरण पे प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने कहा वो शख्स आज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सीमेंट वाले, इनके यहाँ से सीमेंट जो ट्रेन है उसे उतरती है और चढ़ती है, तो जो सीमेंट उड़ती है वो सब लंग्स में और तमाम सारे फेफड़े की बीमारी। कहाँ से आना हुआ आपका? नोएडा। नोएडा से। क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। मनीष जी मुझे लग रहा है कि आप म्यूजिक के शौकीन आदमी है। क्या बात है, आज ये समय और आज समय के साथ एंजॉय करते हुए लोग म्यूजिक एक ऐसा क्षण जिसमें आप सारे लोग घुल मिल जाते हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी आज शिरकत करी। मुझे अच्छा लगा कि जब रघुपति राघव राजा राम बजा तो सारे लोग उसमें झूम रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे भी आज। विकास जी। हाँ जी। सब गा रहे थे, सब लोग सुर में खो गए थे, सब भूल गए थे कि वो किस पार्टी से हैं। यही अच्छा, यही उसकी ताकत है। जी थैंक यू सो मच। हटो भाई, तुम्हें अच्छा लगा? हमें तो अच्छा लगा, लेकिन कांग्रेस देख के गा रही थी। जो राम को काल्पनिक बताती है वो जनता को लुभाने के लिए ऐसे गा रही है, इसके चरित्र को देखना पड़ेगा। मुझे आना पड़ेगा। देखिए गांधी को नहीं जानते हैं, गांधी ने रघुपति राघव ये सुनाया है तो इनको नहीं पता है, इनकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त हो जानी चाहिए। लेकिन जब आपने गाना सुनाया इस साहब ने कि मुझे क्या कहते हैं, कौन सा गाना था वो राजीव कुमार भी सुनाते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, नेता वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे राजीव कुमार याद आए चुनाव आयोग कि साहब आप भी निष्पक्षता दिखा देते, आप भी जब महाराष्ट्र में होते हैं तो DGP नहीं बर्खास्त करते, लेकिन झारखंड में DGP को तुरंत बर्खास्त। जब कुरैसी साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कहना नहीं चाहिए, मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा जी की क्या कहते बाइक रैली चल रही थी, उसके बाद क्या हुआ बार बार लोगों ने कहा, लेकिन जबरदस्त तरीके से उन्होंने छूट दी। और राजीव गांधी जी की जब डेथ हुई थी चुनाव में एक दिन परिवर्तित होता, एक सीट पूरे देश का चुनाव रोक दिया गया था। तब चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता था? प्रधानमंत्री जी फोन पे कर दिया करते थे।
कम से कम आज तीन लोग कमेटी तो बनी है जिसमें आपके राहुल भैया भी रहेंगे, लेकिन उस टाइम पर फोन पे किया जाता था। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए कौन करता है? इंदिरा जी ने देश के चार चार मुख्य न्यायाधीश को उनको सिर्फ नीचे इसलिए दिखाया था कि एक न्यायाधीश ने संविधान बचाने के लिए केशवानंदन भारती का साथ दिया था और उसके फेवर में फैसला किया था। उन चारों न्यायाधीश को हटा के एक न्यायाधीश को बनाया गया। मुझे मालूम मैं कहां से चला था, कहां पहुंच गया। जी नमस्ते, नमस्ते, कहां से आना हुआ? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से, क्या नाम है आपका? छवि पॉल। छवि जी, कुछ अच्छा लगा पहली बार आना हुआ इस शो में? मैं लास्ट तीन दिन से आपके शो में आ रही हूं। लास्ट तीन दिन से, बस आज आखिरी रखिएगा। लगातार आने तो फिर यहाँ पे भी ये होता है कि रेगुलर आने लगता है आदमी, फिर शो उसको पसंद आने लगता है। कुछ कहना चाहेंगी? म्यूजिक ने रोक लिया, मतलब म्यूजिक ने रोक लिया, आज म्यूजिक ने सबको बांध लिया, आज म्यूजिक ने सबको रोक लिया। छवि पॉल जो है जहाँ से गुजरती है, और उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि आज पंडित जी गा रहे थे, बजा रहे थे, तो उसने मुझे रोक लिया यहाँ पे। और ये रोज होता है शो, और ये मौका लगा, थैंक यू सो मच। रुको जी जनाब, प्रदीप जी बात लोकतंत्र की हो रही थी, तो महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के जनादेश को चोरी कर ली, पार्टियां चोरी कर ली, सरकार चोरी कर ली, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी चुरा के ले गए, शरद पवार जी की किसकी पार्टी चुरा ले गए भाई? उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ले गए चुरा गए भाई, शरद पवार जी की पार्टी चुरा के ले गए। कमजोर कहा रखते हो? अरे कमजोर क्या है, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए ना। देखिए इनकी आदत यह है कि अरविंद केजरीवाल जी खुद पंजाब के तो मुख्यमंत्री बनने पर लगे हैं, और उद्धव ठाकरे जी तो खुद मोदी जी का फोटो लगा लगा चुनाव जीते हैं, सिर्फ उनका पीछे फोटो लगा के चुनाव जीते। तो भाई सिंधे जी असली, अगर बाला साहब जी के अगर असली वारिस तो सिंधे जी हैं। राइट जी, केजरीवाल जी बोलते हैं कि मैंने माताओं को तीर्थ यात्रा करा के बड़ा आशीर्वाद लिया है, मगर मैं केजरीवाल जी को बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये एक के साथ एक फ्री दे के जो गरीब घरों में जो आपने गरीबी की मार करी है, आपने एक भी नया राशन कार्ड नहीं लगाया, आपने एक भी वृद्धा पेंशन नहीं लगाया। हाँ हाँ हाँ, सोचे भी कह रहे मजा तो खूब लिया हो, बुराई बोले एक के साथ एक वाला मजा तो खूब लिया है तुमने जी। और अब सवाल कर रहे हो जी, नमस्ते।